हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसको बनाया कैसे जाए। तो इस तरह के सवाल को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे और समझेंगे कि नीट में इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो किस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नीट में ज़्यादातर पूछते हैं, जेई में एक दो कभी कभी पूछते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का लेवल बहुत नीचे भी नहीं है और बहुत ऊपर भी नहीं है, बीच में, मतलब नीट लेवल है। ठीक है, तो देखो होता क्या है। और ये चैप्टर आप कहोगे कि सर कौन सा टॉपिक है, कौन सा क्वेश्चन है, किस चैप्टर का है, तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। देखेंगे समझेंगे इस तरह के सवाल हम लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे अब मैं आपको बताना चाहूँ कि हम यूनिट एंड मेजरमेंट, मतलब कि जैसा कि आपको पता है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ये तो आपको पता होगा। जी सर, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें पता है। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें पता है। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है पहला। ठीक है, इसको अगर विस्तार से बनाया जाए तो ये रहा फिजिकल क्वांटिटीज, ये रहा उसका यूनिट। तो क्या क्या होता है सर, क्या क्या होता है? तो सबसे पहले होता है मास, केजी, लेंथ, टाइम। ठीक है, और उल्टा लिख दिया, लेंथ का मीटर होता है भाई, भाइयों, लेंथ का मीटर, टाइम का होता है सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, ठीक है, करंट ल्यूमिनियस, करंट का होता है एम्पियर, उसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल। क्या बात समझ में आ रही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल। ये 7 फंडामेंटल हैं। लेकिन सवाल क्या करता है, सवाल जो करता है वो अब देखो आप। सवाल करता है क्वेश्चन कि इफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल देन एक्सप्रेस मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स लेंथ एंड टाइम। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन, नीट, ध्यान से देखो। अब सवाल क्या है, समझ में आया बात कि समझ में बात आ रही है कि 7 तो फंडामेंटल है, ये 7 जो है ये फंडामेंटल है। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल है। तो आपको सवाल दिया गया कि लेंथ टाइम, आप कहोगे कि सर लेंथ टाइम की तो बात सही है कि ये फंडामेंटल है, लेकिन फोर्स का क्या किया जाए ये बताइए। फोर्स तो इसमें है ही नहीं, लेकिन फोर्स को वो कंसिडर कर लिया फंडामेंटल। अब मुझे कह रहा है कि मोमेंटम दिखाओ, अगर इन केस अगर मैं बताऊं कि अगर मोमेंटम नहीं होता, ठीक है, सवाल तो यही है, अगर मान लो कि फोर्स नहीं लेते तो मोमेंटम हम कैसे रिप्रेजेंट करते। ठीक है, फोर्स अगर हम नहीं लेते और मोमेंटम को हम इन टर्म्स में, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या है, एम, और वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस वन। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, तो ये तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एम एल टी के टर्म में आ गया। लेकिन यहां तो मास की बात ही नहीं है, यहां कह रहा है फोर्स है, फोर्स फंडामेंटल है। अब क्या किया जाए, कोई रॉकेट साइंस नहीं, देखो कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन क्या करना है, ध्यान से देखिए। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करना है, ध्यान से देखो, किसको रिप्रेजेंट करना है, मोमेंटम को। तो हमने एक तरफ मोमेंटम लिख लिया, इसी जो मैं स्टेप बता रहा हूं इसी तरह से सारे सवाल सॉल्व होंगे, इसी तरह से एकदम डिट्टो इसी स्टेप को चिपकाते चले जाओ, सारे सवाल बनते चले जाएंगे, चाहे वो मेंस का हो, एडवांस का हो, सब में यही काम करने वाला। मोमेंटम और दिखाना किस में है, फोर्स में, लेंथ में, टाइम में।
ठीक है। अब फोर्स कितना यूज हो रहा है? सर मुझे नहीं पता, तो मुझे कौन सा पता है? एक्स वाई जेड, तीनों के पावर को हमने मान लिया एक्स वाई जेड, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते चले जाओ, मोमेंटम का क्या होता है? एम एल टी माइनस वन, ये मोमेंटम का हमने इधर लिख लिया, इधर फोर्स का क्या होगा? तो एम एम वन एल वन टी माइनस टू, और ये एक्स, फिर ये एल का पावर वाई, फिर ये टी का पावर जेड, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो एम एल टी माइनस वन, अब पावर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स एल एक्स टी माइनस टू एक्स, ठीक है, एल की पावर वाई और टी की पावर जेड, ठीक है। अब क्या क्या हो गया? एम, अब अच्छा अभी इसको ऐसे ही रहने दो, एम वाला कितना है? एक ही है। एल वाला कितना है? दो है, तो एक्स प्लस वाई। टी कितना है? माइनस टू एक्स प्लस जेड। समझ में आ रही बात? अब देखो इक्वेट कर दो, नाउ इक्वेटिंग, नाउ इक्वेटिंग, इक्वेट कर दो, ठीक है। एम वन एम एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? वन, एक्स की वैल्यू पता चल गई। एल एल को इक्वेट कर दो, एल वन और एल एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? वन, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? जीरो, क्योंकि ये वन है तो वाई तो जीरो हो गया। अब टाइम के काम, टाइम का काम करते हैं, टी माइनस वन और ये हो जाएगा टी माइनस टू एक्स प्लस जेड, तो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस जेड, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस वन प्लस टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? वन, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस एक्स, सिंपल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? वन, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? वन। तो अब आप एक्सप्रेस कर दो, यही तो कह रहा था कि एक्सप्रेस करके दिखाइए, एक्सप्रेस हो, मोमेंटम को दिखाना है, तो मोमेंटम आ गया कितना? फोर्स लेंथ टाइम, फोर्स की पावर क्या माना? एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? वन। एल की वैल्यू कितनी है? वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई? जीरो। और टी की पावर कितनी आई? वन। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रही बात? तो नीट के पीवाईक्यूज उठाओ और इस तरह के सवाल खत्म कर दो, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।